हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल में। बिहार में जो वैकेंसी आई हुई है एस्टेट का, जो कि अप्लाई था लास्ट आप लोग का 25 सितंबर तक, तो वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन फ्रेंड्स, यहां पर जो है, जो आप लोगों ने आंदोलन किया, यहां पर जो आप लोगों ने बहुत सारे हल्ले किए कि बहुत सारे विषयों को भी मौका देना चाहिए, डेट बढ़ना चाहिए, तो यहाँ पर सरकार के कान में जू रहेगा। और यहाँ पर कुछ विषयों को जोड़ा गया है और फिर से जो है लिंक को दोबारा खोला गया है। कब तक? 30 सितंबर तक दोबारा मौका दिया गया है कि एस्टेट का फॉर्म आप लोग भर सकते हैं और उसमें नए नए विषयों को जोड़ा गया है। तो किस विषय को जोड़ा गया है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या है पूरा एलिजिबिलिटी, क्या है योग्यता, सब कुछ आपको वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को देखिए लास्ट तक, क्योंकि पूरा अपडेट आ चुका है ऑफिशियली। तो वीडियो को देखिए फ्रेंड्स लास्ट तक, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, दोस्तों को शेयर भी कीजिए, इसको बहुत सारा शेयर कीजिए ताकि सभी तक ये बात पहुंच सके जो लोग अप्लाई नहीं किए हैं, और वो अगर इस विषय में आते हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप चाहते हैं कि जॉब्स के अपडेट या इस तरह के अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दबाइए बेल आइकन, ताकि हमारी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको अपडेट मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको अपडेट। शिक्षक नियोजन, शिक्षा विभाग ने 12 बिंदुओं पर जारी किया स्पष्टीकरण। बायोकेमिस्ट्री डिग्री वाले पढ़ाएंगे केमिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे डिटेल्स हैं, मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। 2019 के प्रस्तावित नियोजन में रसायन शास्त्र के शिक्षक के लिए बायोकेमिस्ट्री में से स्नातकोत्तर अभ्यर्थी भी एस्टेट के लिए पात्र होंगे। यह पात्रता एस्टेट 2019 के लिए पेपर 2 यानी कि 11th और 12th के लिए होगी। और इसी तरह पंचायत एवं नगर प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन से संबंधित कुल 12 बिंदुओं पर शिक्षा विभाग ने गुरुवार को स्पष्टीकरण जारी किया है। और शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज का स्पष्टीकरण तमाम दुविधाओं को दूर करने के लिए जारी किया गया है, जिसमें कि उम्र सीमा की बात करें तो केवल आरक्षित कोटि के उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट है और शेष अभ्यर्थियों को छूट नहीं है। और जो न्यूनतम अंक होगा टेट 17 के लिए प्रावधान है कि सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक, अति पिछड़ा वर्ग वो समान कोटि के महिलाएं 55% अंक के आधार पर उत्तीर्ण होंगी, और एससी एसटी और जो निःशक्त उम्मीदवार को है जो 50% लाना अनिवार्य है, और यही प्रावधान सी टेट अभ्यर्थियों के लिए भी लागू है। अब बात करते हैं कि किस किस विषयों को यहाँ पर जोड़ा गया और किस किस विषय के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। स्पेशल उर्दू या बांग्ला एवं टेट पास अभ्यर्थियों के लिए पहले के टेट जो उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के साथ स्पेशल टेट के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी अवसर दिया गया है। और दूसरा कि इतिहास, भूगोल और सामाजिक विज्ञान के संबंध में क्या है कि इसमें वैसे स्नातक योग्यताधारी अभ्यर्थी पात्र माने जाएंगे जो स्नातक स्तर पर सहायक विषय प्रतिष्ठा के अंतर्गत इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल एवं राजनीति शास्त्र में से किसी भी विषय में उत्तीर्ण हो, कोई एक विषय इतिहास या भूगोल हो, तो अप्लाई कर सकते हैं आप लोग इतिहास, भूगोल या सामाजिक विज्ञान के टीचर बनने के लिए। नेक्स्ट है बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है प्लस बीएड अगर आप किए हुए हैं तो डिग्री वाले जो अभ्यर्थी हैं वो एस्टेट 19 में पेपर 1 के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। जो बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस बीएड किए हैं वो पेपर 1 के लिए, यानी कि आपको माध्यमिक शिक्षक के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं हिंदी भाषा, 6ठा से 8ठवा कक्षा के लिए। हिंदी को कंपोजिशन के रूप में पढ़ने वाले अभ्यर्थियों को हिंदी के शिक्षक बनने का अवसर प्रदान नहीं किया जा सकता, यानी जो हिंदी भाषा कंपोजिशन रूप में पढ़े हैं कंपोजिशन में, तो वो नहीं बन सकते हैं टीचर। नेक्स्ट है कि माइक्रोबायोलॉजी विषय को जुड़वाने के संबंध में बीएससी इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी या बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के अभ्यर्थियों ने यदि बीएड में गणित अथवा विज्ञान को मेथड पेपर रखा हो तो पात्र माना जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं बीकॉम वाले का, जो कि वाणिज्य से पास किए हैं, उन लोगों ने बहुत सारे आंदोलन किए थे, उनके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया था कि आपको जो है जो कॉमर्स से ग्रेजुएशन किए हैं वो लोग आपको जो है आंदोलन कर रहे हैं कि उनको भी मौका दिया जाए। तो यहाँ पर यह है कि वाणिज्य के लिए कि एस्टेट के लिए वाणिज्य विषय सम्मिलित किया गया है, यानी जो बीकॉम किए हैं और साथ में बीएड हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, बीसीए वाले भी बहुत सारे कमेंट कर रहे थे, तो यहाँ पर बीसीए और साथ में बीएड उत्तीर्ण है तो वो गणित के शिक्षक बन सकते हैं, इन्हें उसको भी यहाँ मौका दिया गया है। ऐसे विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं जो कि गणित के लिए आपका
गणित के अतिरिक्त भौतिकी, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, सांख्यिकी में किसी दो विषय का अध्ययन सहायक या प्रतिष्ठा के रूप में किया हो। ठीक है, नेक्स्ट है कि 50% अंक के उर्दू विषय के संबंध में, बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियमावली के आधार पर स्नातक शिक्षक के पद के लिए 50% अंक के साथ उर्दू विषय शामिल करना बाध्य है। ये रहा, ये सब सब्जेक्ट अगर आप लोग किए हैं तो आवेदन कर सकते हैं। तो पूरा मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया स्टेप बाय स्टेप। अब देखते हैं कि 30 तक जो फॉर्म भरे जाए उसमें क्या क्या है। CBSE ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET 19 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि एक बार पुनः बढ़ा दी है। वे उम्मीदवार जो CTET परीक्षा के लिए आवेदन किए हैं वो 30 तक कर सकते हैं। ये था आपका CTET के लिए। लेकिन जो STATE हैं उनका भी यहाँ पर बढ़ाया गया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा फ्रेंड्स STATE आवेदन का एक और मौका, दो विषयों के लिए योग्यता विस्तार। STATE 19 में दो विषयों के लिए निर्धारित योग्यता में कुछ विषयों को जोड़ा गया है। पेपर 1 यानी 9th और 10th में गणित विषय और पेपर 2 11th और 12th में रसायन शास्त्र विषय शामिल है। और इस आलोक में बिहार बोर्ड की ओर से STATE 19 में शामिल होने वाली के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की जो तिथि है वो 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक बढ़ाई गई है। यानी 3 अक्टूबर तक आप लोग जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और इस संबंध में 28 सितंबर को विज्ञप्ति जारी की जाएगी। यानी अभी तक जो है ये नहीं आया है, 28 यानी कि कल ये आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है 28 से शुरू हो जाएंगे, 30 से लेकर 3 अक्टूबर तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं जो कि पेपर शामिल किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही था अपडेट इसके लिए। और आपको कोई दिक्कत हो तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।